Do you see them? It's beside the wall. Keep going. You see them now? Okay, go get them. My Spider-Man is helping me. Are you Spider-Man? Yeah. Peter Parker? Venom. Your Venom? Yeah. The sky looks so beautiful. Isn't that so right morning? Yep. Sanze, wakey wakey. I woke up. Who woke up? Me. हेलो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। आज दिन है संडे का और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, रूटीन व्लॉग समझो। जो संडे गुजरा है वो कैसा रहा वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि ना व्लॉग बनाने का प्लान था मेरा, तो मैंने सुबह सुबह से ही ना फिल्मिंग शुरू कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर होम स्टाइल हैप्पीनेस फैमिली। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। तो वीकेंड पे सबसे पहले मैं नीचे आ जाती हूँ, बच्चे भी ऊपर होते हैं, हस्बैंड मेरे हस्बैंड बच्चों को रेडी कर देते हैं दिन के लिए, और ख़ुद भी फ्रेश एंड अप होके जब तक आएँ तब तक नीचे के जो कुछ काम है मैं कर लेती हूँ, जैसे कि कर्टेंस और ब्लाइंड्स वगैरह ओपन करना और इस प्लांट को पानी देना। ये प्लांट मनी प्लांट है, इसे वीकली बेसिस पे पानी देना होता है। तो मैं सैटरडे भूल गई थी पानी देना, तो सुबह मैं इसको प्रायोरिटी पे मैंने पानी दिया है, और फिर फौरन से मैंने चाय रख दी क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी वेदर हो रखी थी, तो चाय का बहुत मन था। तो यहाँ पे चाय बन रही है। You want me to make cupcakes? Making chow for my dada. आपने सुना कि मेरी छोटी बेटी सादिया ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है कि उसे पैन केक खाने हैं। सादिया एक्चुअली पैन केक्स को कप केक कहती है क्योंकि छोटियों से नहीं समझ में आता द डिफरेंस ना, तो उसने कहा कि कैन यू मेक मी कप केक। तो यहाँ पे फिर शांति आ चुकी है, उसने बैटर रेडी कर दिया पैन केक्स का, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए बना रही हूँ पैन केक्स। और जनाब यहाँ पे एंट्री हो रही है मेरे हस्बैंड की ये फ्रेशन अप हो के आ चुके हैं, और जैसे ही आते हैं तो इनका काम होता है बर्डीज़ को देखना, बर्डीज़ का केज वगैरह क्लीन करना, और बर्डीज़ को ये ट्रीट देते हैं सैटरडे या संडे पे। ही लव्स हिज बर्डीज़। मैं बिल्कुल बर्डीज़ की कोई टेक केयर नहीं करती, यही करते हैं खाना पीना इन्हें देना, इनकी क्लिनिंग और ये ट्रीट्स वगैरह। तो जैसे ही वो नीचे आते हैं तो उनकी लिस्ट पे टॉप जो नंबर वन काम होता है वो यही होता है कि बर्डीज़ की टेक केयर करूँ, उन्हें ट्रीट दूँ। तो वो अब वही कह रहे हैं अब ये। और फिर बर्डीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद इनकी बारी आती है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि वीकडेज में ना तो ये जैसे उठते हैं कभी कभार तो चाय भी नहीं पीते, फ़ौरन से निकल जाते हैं जॉब पे, शांजे को ड्रॉप करते हैं पहले तो स्कूल फिर जॉब पे चले जाते हैं सीधा। तो ये जो टाइम होता है ना सुबह वाला, ये नहीं मिलता है बच्चों के साथ इन्हें या इवन मुझे, क्योंकि बच्चे जैसे ही रेडी होते हैं और आई मीन जैसे ही उठते हैं तो फिर रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं। तो मॉर्निंग्स जो है ना ऐसे वीकेंड पे हम लोग बहुत स्लो और कोजी सी हम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
और यहाँ पे हमारे मेज पे ये चाय और हम चाय के साथ साथ देख रहे हैं आज टॉम एंड जेरी। बिल्कुल सही सुना आपने, हम देख रहे हैं टॉम एंड जेरी। किस किस को याद है ये शो, हमारा बचपन की यादों में से है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के फेवरेट थे टॉम एंड जेरी, या कौन कौन अब तक देखता है। मुझे तो कार्टून बहुत पसंद है, ये मैं बच्चों के साथ देखती होती हूँ। टांकू देखो कितना हसीन वेदर है ना, आई मीन ठंड है लेकिन ब्यूटीफुल भी इतना लगता है। स्नो और क्लाउडी स्काई, ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। लेकिन काश बस ठंड ना होती, बाकी सब कुछ फिट है। बहरहाल अब हम निकल आए हैं बाहर, जो भी हमारे बाहर के काम थे ना, जिनमें से था कि हमें हलाल ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, फिर हमें वॉलमार्ट से फुल ग्रॉसरी करनी थी, और हमें विनर्स भी जाना था क्योंकि शानजिक ने कहा था कि वो अपना गिफ्ट इस मरतबा बर्थडे के लिए ना खुद सेलेक्ट करेगी। तो अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप पठान हैं। तो मैं पठान नहीं हूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में कह चुकी हूँ मैं पठान नहीं हूँ। और आपका क्वेश्चन इसलिए आता है यूजली क्योंकि स्किन डिफरेंट है, इसीलिए शायद। तो मैं बता दूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से, और मैं अल्बाइनो हूँ। उर्दू ज़बान में शायद इसे सूरजमुखी कहा जाता है, लाइक डोंट कोट मी ऑन दिस इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर तो कुछ और कहा जाता है तो प्लीज़ वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पर मुझे लगता है शायद सूरजमुखी कहा जाता है उर्दू में अल्बाइनिज़म को। तो मैं भी अल्बाइनो हूँ और मेरे तीनों बच्चे भी अल्बाइनो हैं, और एक यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं काफ़ी सोचने के बाद यूट्यूब पे आई, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग मुझे लाइक, क्योंकि जब हम छोटे थे पाकिस्तान में थे तो हमें बोली किया जाता था, वुड से काफ़ी लोग ना क्यूरियोसिटी भी होती थी, लेकिन हम भी तो छोटे थे ना, तो जैसे हम स्कूल जाते थे तो लोग हमसे बात नहीं करते, लाइक कोई हमसे बात नहीं करता था, और अगर करता तो जैसे चिढ़ाते थे। हम अंदरूनी सिंध जब जाते थे दयाल ननियाल, तो वहाँ पे तो लोग जैसे बच्चे ना पीछे भागने शुरू हो जाते भोली भोली करके। तो ये चीज़ें इसलिए मैं काफ़ी सोचने के बाद आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप सब कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे YouTube पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आई एम अल्बाइनो डज़न्ट मीन के अपने में जो ख्वाहिश है या इन सब चीज़ों से मैं दूर रहूँ। तो आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन जस्ट लाइक यू गाइज, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वैसे ही है, बस ये कि हमारी स्किन ब्राउन नहीं है, उतने पिगमेंट्स नहीं हैं, तो इसी वजह से हमारी स्किन बहुत लाइट है कलर में, और हमारे जो हेयर हैं ब्लॉन्ड हैं जस्ट बिकॉज़ वी आर अल्बाइनो। तो इसलिए यही चीज़ें मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि मैं चाहती थी कि बस चल आती हूँ जैसे काम चल रहा है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी भी मुझे समझ आती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि मैं अल्बाइनो हूँ और मेरे बच्चे भी अल्बाइनो हैं। और जब हम पाकिस्तान में थे तो अम्मी अब्बू से ये क्वेश्चन किया जाता था कि आपके बच्चे ऐसे क्यों हैं, आपके बच्चों को आपके बच्चे कब से ऐसे हैं, और ऐसा वैसा ना, ऐसे अजीब से सवाल किए जाते थे। और ऑब्वियसली हम भी वहीं पे होते थे, हमें देख के तो क्वेश्चन करते थे। तो जब हम बच्चे थे छोटे थे तो ये सब कुछ हमें बहुत हर्ट करता था, हमें लगता था कि हम ही क्यों हैं चेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रख रखाव वाले लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग, यू नो। और जब बाहर जाओ तो वाले क्वेश्चन होते थे,
तो बहुत हर्ट होते थे हम. मैं ग्रेड 7 में थी जब हम कनाडा आए हैं, और जब हम कनाडा आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता. तो मैं तो ऐसे ना सबको ओपनली बता रही होती हूँ कि ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी शुरू ही तब हुई है जब हम कनाडा आए हैं. और हमारा कनाडा आना भी कोई इतना ईजी नहीं था. हमें बताया जाता है, अपनी अबू बताते हैं कि जब हम पैदा हुए हम पूरे ख़ानदान में ननियाल उदाजान में फ़र्स्ट अल्बाइनो थे. तो ख़ानदान में बातें चली और गर्मी वगैरह होती थी तो हमें मतलब स्किन की वजह से ऐसे रेड से हो जाते थे. तो हमारी जो दादी अम्मा हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, आमीन. तो मेरी दादी अम्मा ने ये बोला कि ना दुआ करी कि या अल्लाह इनके ऐसे नसीब करना कि ये सारी ज़िंदगी मतलब ऐसी में रहें, ऐसी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की गर्मी कैसी होती है. तो मेरी दादों ने यही दुआ करी कि इनके ऐसे नसीब करना कि ये ऐसी, इनको ऐसी वाली ज़िंदगी अता करना, यानी कि नौकर चाकर और ऐसी में रहना इन्हें नसीब करना. और अल्लाह ताला ने ऐसी ही उनकी दुआ कबूल करी कि हम लोग कनाडा ही आ गए जहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम होता है मोस्टली ऑल ईयर लॉन्ग. तो ये भी मेरी दादों की कोई दुआ थी तो हम लोग आए हैं यहाँ. और वरना वहाँ पे लोगों ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ था, स्कूल, खानदान, हर जगह. बहरहाल ये थी कुछ हमारी दिल की बातें, आपकी क्यूरियोसिटी के कुछ जवाब. उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे मुझे. और बस मुझे मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत देंगे और मुझे हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए. जस्ट बिकॉज़ आई एम अल्बाइनो इट डज़न्ट मीन कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकती. यूट्यूब पे कहीं पे रूल नहीं है कि अल्बाइनोज़ के लिए रूल, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मैंने काफ़ी सोचा, मुझे नहीं पता था, मुझे ये था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं. मैं काफ़ी सोचने के बाद, अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद यूट्यूब पे आई हूँ. आई वांट टू बी एबल टू हेल्प माय फैमिली फाइनेंशियली. तो जब यहाँ पे सब कोई इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना. तो इसलिए मैं आई यूट्यूब पे. और जब आपने मेरे हैंड्स देखे या बच्चों को देखा और आपकी क्यूरियोसिटी थी कि आप पठान हो, तो मैंने एक सोचा कि आपको बताया जाए कि नहीं, मैं पठानी, मैं अल्बाइनो हूँ और मेरे बच्चे भी अल्बाइनो हैं. बहरहाल बैक टू व्लॉग. आपने देखा कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करके घर आ गए थे और डिनर बना था चिकन फ़ेहिता राइस. और बस फिर बच्चों को सुला दिया था. यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, हम देख रहे हैं मास्टर शेफ़ इंडिया. मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो जब भी हमें टाइम मिलता है ना तो प्रीवियस सीजन्स देख रहे होते हैं. तो यही कुछ था मेरा आज का व्लॉग. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा चैनल एंड वीडियोस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.